कर्नाटक स्टेट में है और लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लोगों के समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि धीरे धीरे जो है ये बीमारी, ये वबा जो है हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घरों में आ रही है। हम खासकर सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें और गर्म पानी का जहाँ तक हो सके इस्तेमाल करें और ठंडे चीज़ों से जो है परहेज करें। आज दिन बदल हालात ये है कि हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल हो गया है और इस बीमारी को जो है हम अभी भी जो है हल्के में ले रहे हैं। आज यहाँ पर बैलुंगल से एक टीम आई है कुछ खिदमत खल्क की नियत से, जिन्होंने अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम से राय मशवरा करके सिलेंडर्स के ताल्लुक से हो या जो भी अंजुमन के गाइडलाइंस होते हैं वहाँ पर जो है अपने बैलुंगल में जाकर जो है वो आवाम को समझाएंगे। हर मस्जिद में अंजुमन से पासिस दिए गए हैं और वही जो है वो मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि वो 5 अफराद जो है मस्जिद में नमाज अदा करें। हुकूमत के जो गाइडलाइंस आते हैं वो अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और पहले ये गाइडलाइंस आए कि कब्रिस्तान में जो है 20 अफराद जो है कब्र मैयत के साथ आ जाए, आज एक नया गाइडलाइंस आया है कि 5 अफराद जो है मैयत के साथ आ जाए। ये हमारी भलाई के लिए होता है, हम जो भी गाइडलाइंस आते हैं हुकूमत के उसे फॉलो करें, उस पर अमल करें, क्योंकि इसी में जो है हमारी आफियत और इसी में हमारी भलाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जिस तरह से गफूर भाई ने कहा कि ये वबा और ज़्यादा फैल चुकी है, हम इस वबा में ज़्यादा ये ध्यान दें कि घर पे बैठकर उसका इलाज ना करें। अगर ज़्यादा होता है बुखार, अगर ज़्यादा तौर पर 2 से 4 दिन होती है तो इमीडिएट अच्छे डॉक्टर्स को बताकर जल्द से जल्द उसका इलाज कर लें, थोड़े इसमें वो ख़त्म हो जाएगा। आप घर में बैठेंगे तो बढ़ते जाएगा, फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा, ये न होने दें। और हर मोहल्ले में एक टीम बना के उनको पूछें जाके कि आपके घर में कोई बीमार है कि क्या, इस तरह से चैन को कट करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। मैं तमाम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील करता हूं कि जो हमारे CM और हमारे गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन कल से जारी किया है उसका आप बराबर से पालन करें। पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को देख के इस गली से उस गली में जाना है और हम खुद से ताली बजाना है कि हम बच गए। वो गवर्नमेंट है या डिपार्टमेंट है, ये हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, ना कि उनका मंशा कोई हमको सताने का है। ये लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है कि ये जो चैन है चैन कट हो जाए। ये चैन कब कट होगी? जब हम अपने अपने जगह पर रहोगे तब ये चैन कट हो जाएगी। हम आपस में एक जगह गैदर होंगे, एक जगह मिलेंगे और मिलकर घूमेंगे, इस गली से उस गली भागेंगे, ये चैन कट नहीं होगी। ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, ऐसे करने से हम खुद हमारी भी जान खतरे में लाएंगे और हमारे तमाम लोगों की जान खतरे में लाएंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप सब इसका अच्छे तरीके से पालन करें और डिपार्टमेंट को और हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करें।